मैम आप एक बात बताइए, विपक्षी ये बोल रहे हैं जीरुंडी समिट हमारे देश में हो रहा है, इतना बड़ा समिट हो रहा है, लेकिन हमें बुलाया नहीं जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है? किसको नहीं बुलाया गया है? मल्लिकार्जुन खड़गे को, उनके तीन मुख्यमंत्री को इनविटेशन गया, कर्नाटका के लिए गया, राजस्थान के लिए गया, छत्तीसगढ़ के लिए गया, ये उन्हें नहीं दिखता है? इनविटेशन जो है वो मनमोहन सिंह जी को भी गया है, वो नहीं दिख रहा है? इन्होंने बायकॉट किया, क्या बोल करके बायकॉट किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया गया? क्या वो किसी ऐसे संवैधानिक पद पर हैं? लेकिन वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष है मैम, कांग्रेस तो जितनी पार्टियां हैं क्या उन सभी के अध्यक्ष को बुलाया जाए? लेकिन बड़ी पार्टी यूपीए की, बड़ी पार्टी यूपीए की, यूपीए नहीं अब तो इंडिया अलायंस हो गया, बिल्कुल अब तो INDIA के है। अच्छा, पहले कभी भी ऐसे कॉन्क्लेव्स या सबमिट्स होते थे तो क्या विपक्ष पार्टी जब भाजपा हुआ करती थी तो आडवाणी जी को, नड्डा जी को बुलाया जाता था क्या? आप मुझे बता दीजिए, बुलाया जाता हो तो इन्होंने गलत किया है। लेकिन जो संवैधानिक परंपरा ही नहीं रही है, अगर ये नहीं बुलाते कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर्स को तो गलत करते। लेकिन अब आप बताइए कि उन्होंने जो बायकॉट कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, ये कितना सही उन्होंने किया और क्या संदेश अभी वो अपने देश की जनता को दे रहे हैं? क्या इस छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को बताने का ये मायने हैं कि अगले साल वहाँ पर चुनाव भी होने हैं तो जनता को लुभा लो कि देखो हमने मुख्यमंत्री को बुला लिया? सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया गया है, सिर्फ एक को नहीं, जिसमें ममता बनर्जी आ रहे हैं, भगवंत मान जी आ रहे हैं, यहाँ तक कि इतने दूर विरोधी जो केजरीवाल जी हैं, सब सारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, इवन INDIA स्टालिन जी तक आ रहे हैं, उनके बेटे लेकिन बोल रहे हैं कि सनातन धर्म जो है डेंगू मलेरिया है, खत्म करना पड़ेगा, विरोध छोड़ दो इसका। तो अगर सनातन की चर्चा करेंगे तो चर्चा बड़ी लंबी चली जाएगी, मैं उनकी सद्बुद्धि के लिए बस कामना करती हूँ और ये कहती हूँ कि उनकी अपनी माता श्री दुर्गा जी जो कृष्ण भक्त हैं, अभी पिछले महीने ही गुरु वायूर केरला का एक कृष्ण मंदिर है 5000 साल पुराना, जिसमें वो सोने का मुकुट कृष्ण के चरणों में अर्पित करके आती हैं और वो उस घर के पुत्र हो करके, और सनातन के उन्मूलन की बात करते हैं, आप गूगल कीजिए, उनके सैकड़ों फोटोग्राफ्स मिलेंगे उनके स्वयं के मंदिर के पुजारियों के साथ, बयान पर अडिग भी है वो, बयान पैटिक है। तो मैं आह्वान करती हूँ आत्महत्या करके सनातन के उन्मूलन का प्रारंभ कर दे, क्योंकि एक तरह से सनातन परंपरा का जो जिसको निभाते हैं वो तो स्वयं भी निभा रहे हैं, तो वो कौन से वो सनातन का क्या अर्थ समझ? अच्छा, बड़ा विषय मैम ये है कि अभी विवाद थमा भी नहीं था कि DMK के नेता बोल पड़े कि जो HIV की तरह है, क्या लगता है आपको चुनावी माहौल में धर्म को बीच में लेके आना सही है? लाइन में बोलना चाहूंगी, दक्षिण भारत में भाजपा की स्थिति बहुत कमजोर है, 130 लोकसभा सीटों में सिर्फ 29 सीटों पे भाजपा है, जिसमें 25 कर्नाटका विधानसभा वर्तमान में भाजपा के पास एक भी नहीं है दक्षिण में, तो ये एक ध्रुवीकरण की कोशिश है और इस बार ध्रुवीकरण का लेवल इन लोगों ने बढ़ाने की कोशिश की है, उत्तर बनाम दक्षिण और हिंदू बनाम अन्य, जो ध्रुवीकरण हिंदू बनाम मुस्लिम अमूमन देखने को मिलता था चुनावों में, वो अब हिंदू बनाम अन्य सबको मिला करके इन्होंने ये कोशिश की है। इन्होंने सिगुफा तो फेंक दिया, गेंद तो फेंक दी है, लेकिन मुझे लगता है कि पासा उल्टा ही पड़ेगा, क्योंकि जो जनता है जो सनातनी है और 80% जो बहुसंख्यक है, वो चाहे ऐसे सड़क पे आकर के रिएक्ट करे या ना करे, वो जानते हैं कि 2024 में कैसे रिएक्ट करना है ऐसे स्टेटमेंट पे। मेरे एक सवाल आपसे ये है कि जब जब चुनावी मौसम चलता है, जब जब हवाएं पुरवाई होती हैं, बेरुखी होती हैं चुनाव को लेके, तो तब तब क्यों हिंदू मुस्लिम बीच में आ जाता है? 9 साल 5 साल याद नहीं आती? लाल किले के प्राचीर से इस बार प्रधानमंत्री जी को भी 77वें स्वाधीनता दिवस पे बोलना पड़ा था, तुष्टिकरण और ध्रुवीकरण की बात उन्होंने की थी, तो आप ज़रा सोच करके देखिए कि 76-77 साल बाद भी अगर देश का मुखिया ध्रुवीकरण और तुष्टिकरण की बात करता है, इसका ये अर्थ है कि यहाँ की राजनीति में दुर्भाग्यवश आज तक ये चीज़ एम्बेडेड है, बिल्कुल जिसको कहते हैं घुसी हुई है राजनीति के जीन्स में, ये ना तो समाज के लिए अच्छा है ना ही राजनीति के लिए अच्छा है, और जिन लोगों के माथे पर इन लोगों ने अब तक शासन किया है या गेम खेला है जिसको बोला जाता है दलित और मुसलमान, आज के डेट में आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या इनकी उतनी सुदृढ़ है? जो अल्पसंख्यक की बात भी करूँ मैं तो जैन और पारसियों की है, यह है नहीं है, तो आप
इनके कंधे पे रख करके चुनाव के बंदूक चलाए हैं, आपने चुनाव जीते हैं, आपने इनका कल्याण नहीं किया है। तो 9 साल में स्थिति बदली है कि नहीं बदली है, ये तो आप बताएंगे, ये तो जनता देख रही है कि बदली है कि नहीं बदली है। जनता में से एक आप भी हैं, वोट आप भी देते होंगे, आपने भी देखा होगा चुनावी मूड भापा होगा आपने भी। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, मैं बस लास्ट बात बोलूँगी, लेटेस्ट रिपोर्ट है एबीपी का भी आज रिजल्ट आया है, उनके भी सर्वे का है, जिसमें लगभग 56% जनता मोदी जी को कर रही है। ये आज का आप मोदी का गुणगान इस समय कर रहे हैं, लेकिन चुनाव अब से करीब 6-7 महीने बाद ही हैं, लेकिन उपचुनाव ये हारते जा रहे हैं, तो क्या पासा पलटेगा? उपचुनाव कौन हार रहा है? सपा आगे चला। 3 सीटों पर भाजपा अपने दम पर जीती है, INDIA 4, सही, अलग अलग जीते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध भी खेले हैं, केरला त्रिकोणिया मुकाबला जो हुआ है, वो उत्तराखंड लोकसभा में क्या करेंगे, एक साथ खेलना है। सीट शेयरिंग की बात नहीं पच पाएगी इनकी क्या आपस में? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। बोल रहे कि गठबंधन जो है टूट जाए, नहीं नहीं, मैं एक कवायद लगा सकती हूँ कि अगर सीट बंटवारा ढंग से ना हो पाए और इस वजह से ये हो अलग अलग हुए, तो ये शायद पोस्ट इलेक्शन अलायंस बनाने की कोशिश करें, ये संभव है, इसकी संभावना दिखती है, लेकिन प्री पोल मुझे नहीं समझ। आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है मैम कि ठीक है एक तरफ मोदी हो गए, लेकिन बनाम कौन है, क्योंकि चेहरा तो कोई बताना पड़ेगा ना, दूल्हा कौन हो लगता है आपको? राहुल गांधी, केजरीवाल, बनर्जी, कौन हो सकता है? इसीलिए मैंने कहा कि प्री पोल होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि सही में लीडर कौन होगा, है ना, सब तो अपनी ही रोटी सेकने में लगे हैं, ममता दीदी अपनी रोटी, नीतीश बाबू, एक तरह से देखें तो इस सारे को एकजुट करने में नीतीश बाबू का बहुत हाथ रहा है, तो कौन रहेगा, कौन लीड करेगा? तो ये तो बोल रहे ना कि हम तो हमेशा से ही कि बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ते हैं, बाप ने हमने घोषित करा है। क्या अखिलेश यादव बोल रहे थे? विपक्षी बोल रहे, विपक्षी में कौन, INDIA ना, कौन बोल रहा था, स्टालिन बोल रहे थे, जो जिनके 3-4 पुरखे जो हैं पुश्तों से, जो राज्य में वो शहरों में जिलों में देश में शासन करते आ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि बिना चेहरों के चुनाव लड़े हैं, किससे क्या बात करते हैं, जनता मूर्ख नहीं है, देख रही है। आप INDIA के गठबंधन अगर एक चेहरा दे दे और सीट का बंटवारा कर ले, तो मेरे हिसाब से तो यही बहुत बड़ी बात। देश की राजनीति का माहौल जो बदल रहा है, G20 हमारे देश में हो रहा है, ऐसे में विपक्षी जो लगातार बोल रहे हैं कि मोदी जी केवल क्रेडिट लेने का काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? सर देखिए, यहाँ पे क्या है कि विपक्ष सिर्फ चाहता है कि मोदी जी को बदनाम करने के लिए, क्योंकि वो खुद ही चोर था, खुद ढंग से काम नहीं कर पाया, जितने भी काम किए उसमें सब में घोटाले किए, सब में चोरी की है, अब यहाँ पे बिल्कुल निष्पक्ष होकर के जो काम कर रहे हैं उनको बदनाम करने की ये साजिश है और कुछ दूसरा कुछ नहीं है। ये लोग अपनी सिर्फ रोटियाँ सेकने के चक्कर में लगे पड़े हैं, अभी तक जितना भी जो भी काम किए हैं ये लोग सब में घोटालेबाज। विपक्षियों को इन्वाइट नहीं करा ऐसा बोल रहे G20 के सम्मिट में विपक्षी, अब ये तो उनके बारे में ज़्यादा उन्हीं को पता होगा कि क्यों इन्वाइट नहीं किया, वो तो उन्हीं को ज़्यादा नॉलेज होगा इसके बारे में। बात बताइए, भारत और इंडिया की एक जंग जो छिड़ गई है, क्या लगता है आपको, भारत नाम ठीक है कि इंडिया नाम ठीक? देखिए, भारत दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा था, इस वजह से भारत ही सबसे अच्छा नाम है, और जो इंडिया नाम है ये इंडिया विदेशियों का रखा हुआ नाम है, इसलिए सबसे अच्छा नाम तो भारत ही होना चाहिए। तो 2024 में प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार आने वाले? बिल्कुल 100% तीसरी बार आएंगे। विपक्षियों में राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केजरीवाल सब लोग हैं। ये सब कुछ नहीं, केजरीवाल तो महाचोर आदमी है, इसमें तो और कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी ही आएगी, ये मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, ये पक्का। केजरीवाल को महाचोर बोल रहे हैं, लेकिन वो तो ये लगातार बोल रहे हैं कि मैं विपक्षियों में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड व्यक्ति हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति। सबसे ज़्यादा धोखेबाज, सबसे ज़्यादा करप्ट अगर कोई है तो वो केजरीवाल है। धोखेबाज कैसे, क्या कर दिया ऐसा? क्यों, आपने देखो अन्ना जी के साथ धोखा किया, कुमार विश्वास के साथ धोखा किया, कपिल मिश्रा के साथ धोखा किया, और यादव हैं उनके, वो उनके साथ धोखा किया, सबके साथ तो धोखा किया है, सारे बंदे छोड़ प्रशांत भूषण के साथ भी वही किया, सब छोड़ के भग गए, हम लोग भी उसके सदस्य थे पहले शुरू में, हम लोग भी हट गए वहाँ से, क्यों हटे, इसीलिए हटे, हम भी सदस्य थे। आप आम आदमी पार्टी के सदस्य थे? सदस्य थे आम आदमी पार्टी। क्यों छोड़ दिया आपने फिर? जब इनका करप्टी देख रहे हैं, पहले तो छोटे छोटे लोगों से लेकर शुरू किया, बाद में वो बड़े लोगों को ढूंढ करके वोट बेच बाज कर काम किया, उसने राजनीति किया। अच्छा, हाँ। केजरीवाल को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते? नहीं, प्रधानमंत्री कभी तो मुख्यमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री दूर, लेकिन दिल्ली के लोग जिता रहे हैं उनको बार बार, वो तो राजनीति कर रहे हैं भैया, वो अपना एक वोट बैंक अलग बना रहे हैं, एक केवल एक समुदाय को खुश कर रहे हैं, वो इस वजह से वो बन रहे हैं, और दूसरा कोई उनका वो नहीं है।
हाँ। राहुल गांधी को नहीं मानते कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक है नहीं, क्योंकि उनके जो बात भाषा है वो सब अलग बोलते हैं, उनके भाषा भी अलग नहीं है, अलग है उनको, देश भी नहीं पसंद है। देश भी लेकिन वो तो ये बोल रहे हैं कि मैं तो भारत जोड़ने निकला था। भाई भारत जोड़ने तो भारत तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? अगर भारत जोड़ने निकले थे तो भारत के पक्ष में रहना चाहिए था आपको। ठीक है, थैंक यू।